विदेश सचिव एस जयशंकर 4 दिनों के अमेरिकी दौरे पर हैं, जिसका मकसद आतंकवाद से निपटने, द्विपक्षीय रिश्तों एवं भारत अमेरिकी संबंधों को आगे बढ़ाने के साथ ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी वीजा नीति पर भारत के सरोकारों से वाकिफ करवाना है। विदेश सचिव एस जयशंकर ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल मैकमास्टर से मुलाकात की। जयशंकर और मैकमास्टर की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैकमास्टर को 10 दिन पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। समझा जाता है कि व्हाइट हाउस में हुई इस बैठक में दोनों अधिकारियों ने सुरक्षा संबंधों, आतंकवाद से निपटने और रक्षा साझेदारी जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया। मैकमास्टर के अलावा जयशंकर प्रतिनिधि सभा के स्पीकर पॉल रयान से भी मिले और उनसे दोनों देशों के बीच आर्थिक और रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाने सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। भारतीय विदेश सचिव जयशंकर से मुलाकात करने के बाद रयान ने एक बयान में कहा कि अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों की जड़ें लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता के सांझे मूल्यों से जुड़ी है। रयान ने कहा कि अहम साझेदारी को आगे बढ़ाने का हमारे पास एक बढ़िया मौका है और हम आर्थिक एवं सुरक्षा सहयोग के तरीकों पर चर्चा के जरिए ऐसा कर सकते हैं। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।